और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। तो गाइस अभी के टाइम पे हमारा अगर कोई फेवरेट चीज है ना तो वो है कस्टम कार। अगर अभी के टाइम पे अपने दोस्त से लड़ाई हो जाए ना तो हम लोग फाइट करने नहीं जाते, हम लोग सीधा बोलते हैं कस्टम बना रहे। भाई नो कि आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैं इतना कस्टम पे ज्ञान क्यों दे रहा हूँ, कस्टम फ्री में मिलने वाला है क्या? तो रुको जरा सबर करो, बताता हूँ क्या सीन है। इस बार का जो अपना विंटर इवेंट है ना उसके अंदर ये सारी के सारे आइटम्स हमें फ्री में मिलने वाले हैं, जहाँ पे भाई एक ओपी सा बंडल भी है। और इतना ही नहीं, अपना जो विंटर एज इवेंट है ना उसके अंदर एक और इवेंट आएगा जहाँ पे ये वाला मेल और फीमेल का बंडल मिलने वाला है। और हाँ वो सब ठीक, पहले ये बताओ कि आपने अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? देखो मेरे को नहीं पता, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लो, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूंगा ना आपको फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। आपके लिए ना एक ट्रिक लाया हूँ जिससे आपको 100 डायमंड मिल जाएगा। आपको ना जस्ट खिलाड़ी अड्डा ऐप को इंस्टॉल करके मेरा रेफर कोड शुभ 100 से ज्वाइन कर लेना है। तो आप में से ना किसी भी 10 रैंडम लोगों को खिलाड़ी अड्डा के तरफ से 100 डायमंड मिल जाएंगे। खिलाड़ी अड्डा ऐप में ना फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स के कस्टम्स और डेली स्क्रिम्स खेल के पैसे भी कमा सकते हो। खिलाड़ी अड्डा में ना आप फ्री फायर खेल के हजारों रुपए जीतने का मौका मिलेगा, मतलब गेमिंग भी और अर्निंग भी। खिलाड़ी अड्डा इस महीने 500 से भी ज्यादा कॉन्टेस्ट को होस्ट कर रही है, जहाँ से आप हर रोज 5000 तक जीत सकते हो। इन सब में मेरा फेवरेट है 11:30 बजे होने वाला सर्वाइवल बैटल। इसमें ना किल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लास्ट तक सर्वाइव करते हो यानी कि अगर आप कैंपिंग में माहिर हो ना फिर तो ये आपके लिए ही है। तो इसका मतलब ना ये कॉन्टेस्ट सबके लिए, यहाँ पे किसी भी लेवल का प्लेयर खेल और जीत सकते हैं, मतलब बिना किल माला माल हो सकते हो। एंड साथ ही में एक और ऑफर है कि अगर आप न्यू यूजर हो ना तो आप अपना पहला मैच फ्री में खेल सकते हो। खिलाड़ी अड्डा के डिस्कॉर्ड सर्वर पे ना tier 1-3 के प्रैक्टिस स्क्रीम्स और कस्टम गिवेस भी होते हैं। इनके डिस्कॉर्ड सर्वर पे ना खिलाड़ी कप का season 3 का रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है। इसका प्राइस पूल 20,000 है। यहाँ पे ना आप अपने स्क्वाड लेके आ सकते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और सुब 100 लिखोगे तो एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। तो गाइस अभी हम लोग बात करने वाले विंटर एज इवेंट के बारे में, मतलब ये एज इवेंट क्या होता है भाई, एज क्या होता है? उम्र देखा जा रहा है क्या यहाँ पे? खैर छोरो, हमारा जो विंटर इवेंट है ना उसी का नाम है विंटर एज इवेंट। बट गाइस अभी हम लोग बात करने वाले कस्टम रूम के बारे में, क्योंकि यार देखो एक तरह से देखा जाए तो अभी के टाइम में हमारे गेम के अंदर कोई फेवरेट चीज है ना वो है कस्टम कार। मतलब कस्टम के लिए क्या क्या नहीं करते भाई, फ्राइडे के दिन जाके मतलब डॉग टैग कंप्लीट करते हैं, देन भाई मतलब अपने दोस्त को बोलते हैं भाई कस्टम बना ले। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हमारा फेवरेट चीज है कस्टम रूम। बट छोरो कस्टम तो हम लोग खेलते रहेंगे, आज हम लोग बात करने वाले रेड कस्टम कार्ड के बारे में कि आखिरकार ये रेड कस्टम कब आएगा हमारी गेम के अंदर। क्योंकि देख रेड कस्टम रूम के अंदर ना हमें बहुत सारे एडवांस फीचर मिल जाएंगे, लाइक अपने दोस्त के साथ आप चाहते हो कि सिर्फ शॉटगन का बैटल करूं तो सिर्फ शॉटगन लगा दे सकते हो। देन वहां पे आप जो 1500 कॉइन करते हो ना उसको इंक्रीज करके बहुत ज्यादा कर दे सकते हो। देन जो वेपन्स के प्राइस होते हैं ना लाइक 500 या फिर 600 डायमंड, जैसे 800 कॉइन में हमें डेजर्ट ईगल मिलता है तो उसका प्राइस भी चेंज कर सकते हो, लाइक बस एक कॉइन में डेजर्ट ईगल कर दे सकते हो। तो अपना जो एक तरह से देखा जाए जो रेड कस्टम है ना अपना एडवांस रूम कार्ड, वो आखिर गेम में कब आएगा यार, एंड इसका प्राइस कब होगा, मतलब प्राइस क्या होगा एंड फ्री में मिलेगा कि नहीं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एंड गाइस एक और बात की, जब फर्स्ट टाइम हमारे गेम के अंदर रेड कस्टम कार्ड आएगा ना तो ये हमें फ्री में मिलेगा, ठीक है? मतलब जैसे देखो क्राफ्टलैंड कार्ड आया तो अभी 100 डायमंड का मिलता है, ठीक है? बट गेम के अंदर आया था तो कुछ इवेंट, जैसे देखो अभी रिसेंटली वो बुया रन करके इवेंट नहीं चल रहा था तो वहां पे फ्री में क्राफ्टलैंड का कार्ड दिया गया। तो जस्ट ये सीन है कि जब फर्स्ट टाइम रेड कस्टम आएगा ना आपके गेम के अंदर तो आपको ना पहले तो एक दो इवेंट के अंदर हमें कुछ कस्टम रेड कस्टम कार्ड फ्री में मिलेंगे। बट अगर स्टोर में प्राइस की बात करें ना तो इतना तो आप लेके चलो कि जैसे मान के चलो 500, ठीक है 500 डायमंड तो शायद से रहेगा ही रहेगा। एंड ये बात तो आपको पता ही होगा कि अभी के टाइम पे इवेंट्स में तो नॉर्मली कस्टम कार्ड मिलते नहीं है, तो रेड कस्टम इतना आसानी से कैसे मिल जाएगा? तो देखो गाइस अभी के टाइम पे कस्टम मिलने का सोर्स क्या है, हमें ना डॉग टैग कंप्लीट करना होता है, बट उसी गिल्ड के सेक्शन पे ना एक और शायद से गिल्ड वॉर करके एक ऑप्शन ऐड होगा, ठीक है? वो जो गिल्ड वाला फ्लैग इमोट देखते हो ना अभी के टाइम पे, जैसे कि वो आ रहा है तो वो वाला फ्लैग इमोट हो गया गिल्ड वाला, और ये वाला जो रेड कस्टम कार्ड होगा ना वो उसी के अंदर मिलेगा। अब वहां पे शायद से हमें गिल्ड वॉर करके कोई टूर्नामेंट होगा या फिर गिल्ड के अंदर ही कुछ कंप्लीट करना होगा, वैसा कुछ सीन होगा ना, तो वहीं पे हमें वो रेड कस्टम कार्ड देखने को मिलेगा, समझ रहे? वो फ्लैग वाला इमोट का तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे को वो एडिटेड सा लगता है भाई। अब देखो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा बिकॉज गहरीना है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? बट वहीं पर ना एक गिल्ड वॉर करके टूर्नामेंट टाइप में एक ऐड होगा गिल्ड वाले सेक्शन पे, ठीक है? जहां से डॉक्टर कंप्लीट करते हो ना वहीं पे उसके नीचे गिल्ड वॉर करके ऐड होगा
होगा, देन उसी इवेंट के अंदर ना आपको रेड कस्टम कार्ड देखने को मिल सकता है। ओके, एंड बाकी जो फर्स्ट टाइम हमारी गेम के अंदर आएगा रेड कस्टम कार्ड, तो वो तो नॉर्मली इवेंट में फ्री में मिलेगा ही मिलेगा। एक दो इवेंट में ना समझ के चलो तो 3-4 आपको रेड कस्टम कार्ड फ्री में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। बट वैसे यार कुछ भी बोलो, जो कस्टम है ना उसका एक अलग ही मजा आता है। मतलब लोन वुल्फ में भी मजा आता है 1v1 करने में, बट कस्टम में इसलिए मजा आता है ना क्योंकि वहां पे जो अपोनेंट होता है ना वो अपना ही दोस्त होता है, तो लाइक उसको हराने में एक अलग ही मजा आता है। वैसे आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि अभी के टाइम में आपके पास कितने कस्टम कार्ड पड़े। मेरे पास तो सिर्फ एक ही पड़े हुए भाई, बाकी सब मैंने खेल डाला। आप लोग मेरे को बताओ ना कि आपके अकाउंट में कितने कस्टम कार्ड अभी पड़े हुए हैं, मतलब 0 पड़े हैं वो भी बताओ कि 0 है। एंड गाइस अगर इसी के साथ में हम लोग बात करें कुबड़ा MP40 रिटर्न के बारे में, तो यार देखो आप में से ने बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार कुबड़ा MP40 तो रिटर्न आएगा ही आएगा, वो तो कंफर्म हो चुका है, बट किस इवेंट के अंदर आएगा वो तो बता दो। तो यार देखो जो अपना ईवो स्किन होता है ना वो किसी इवेंट में नहीं आता ब्रो, वो ना जस्ट फेडेड व्हील के अंदर ही आता है, ठीक है। उसके अलावा अभी तक कोई भी ईवो गगन स्किन जो है ना वो फेडेड व्हील के अलावा और कोई भी इवेंट में नहीं आया। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो मैं सही बताऊँ तो मेरे को आइडिया नहीं है फेडेड व्हील का, बट जहां तक मेरे को लगता है अराउंड 1500 डायमंड, ठीक है, 1500 डायमंड के करीब शायद से निकल जाता है। मेरे को आइडिया नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ, मैं उतना फेडेड व्हील में स्पिन नहीं करता, अराउंड मैंने 1-2 बार किया होगा तो मेरे को आइडिया नहीं है, ठीक है। बट जहां तक मेरे को लगता है शायद से 1500 डायमंड के अंदर निकल जाता है। बाकी अगर आप स्पिन किए हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ यार। एंड ये बात भी है कि अगर कोबड़ा MP40 रिटर्न आ गया तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे गेम के अंदर जितने भी ईवो गन स्किन है वो तो रिटर्न आ ही गए भाई। लाइक M10 भी रिटर्न आ गया, देन अभी रिसेंटली UMP आया था, तो UMP को तो अभी हटा ही दो क्योंकि UMP तो अभी आया था ना, देन अपना कोबड़ा आने वाला है, देन अपना M10 भी आएंगे, AK भी आएंगे, बचा क्या हुआ है भाई वैसे? हाँ XM8 बचा हुआ है, तो बस XM8 बचा हुआ है, तो XM8 तो अभी उसका कोई लीक निकल के आया नहीं है। बाकी XM8 मुझे नहीं लगता भाई कि कोई ईवो गन उसका यूज भी करेगा क्योंकि XM8 उतना, देखो XM8 नॉर्मली हम लोग फुल मैप में खेलते हैं, ठीक है, और अभी के टाइम पे लोग फुल मैप ही खेलना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि मतलब नॉर्मली हम लोग तो क्लैश स्क्वाड ही खेल लेते हैं भाई, क्लैश स्क्वाड खेल लेते हैं, देन लॉन वुल्फ में 25 तारीख को अपना रैंक सीजन आ जाएगा तो वहां भी लोग रैंक पुशिंग में लग जाएंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि उतना फुल मैप अभी के टाइम पे लोग खेलते भी हैं। सो XM8 तो फुल मैप में ही ज्यादा मजा आता है ना, बाकी लेट्स सी क्या होता है। XM8 भी आएगा ब्रो, आएगा, बट लेके चलो मार्च तक आएगा, है ना, क्योंकि हर एक महीना बीच करके आ ही रहा है, लाइक कोबड़ा आ गया, देन AK भी आ गया, तो हाँ XM8 भी रिटर्न आ ही जाएगा। एंड बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अपना जो विंटर एज इवेंट है उसके अंदर जो बंडल मिलने वाले रेड कलर के मेल और फीमेल के जो बंडल है तो इसका क्या सीन है, तो यार देखो ये जो मेल और फीमेल का जो रेड कलर वाला बंडल है ना, ये दोनों का दोनों बंडल फ्री में ना मिलने वाला है भाई, क्योंकि देखो अगर फ्री में मिलने वाला होता ना तो ये हमें कैलेंडर के ऊपर ही देखने को मिल जाता है ना, तो या तो आप लेके चलो कि टोकन टावर में थोड़ी आएगा भाई, टोकन टावर लाया कि बंडल है क्या, मेरे को तो उतना कुछ खास लगा नहीं, बट लेके चलो तो इवेंट्स तो भाई तगड़े होंगे, मतलब ये जो इवेंट में आएगा लाइक लेके चलो आपको इन गेम जो होता है ना लाइक जो उस साइड में आता है जो इवेंट्स वाले सेक्शन पे जो इवेंट आते हैं ना, मेरे को लगता है कुछ उस टाइप का इवेंट आएगा, वेव इवेंट जिसको बोलते हैं, हाँ वेव इवेंट में आएगा नॉर्मली जहाँ तक मेरे को लगता है। और बाकी फीमेल का बंडल तो फ्री में मिल जाएगा भाई, फीमेल का बंडल में कौन इतना डायमंड उड़ाएगा, तो फीमेल का बंडल तो लेके चलो फ्री में मिल जाएगा। और बाकी मेल का बंडल की बात करें तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि मेल का बंडल उतना घटिया नहीं है भाई, देखने में तो सही ही लग रहा है कि नहीं, तो लेट्स सी क्या होता है, बाकी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बस मेरे भाई आज के वीडियो में इतना ही, होप आपको मजा आएगा, तो चलो गाइस बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल यार, और चलो बाय बाय।